नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश, दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या दरकता जोशी मठ कहानियों में सिमट जाएगा। देवभूमि में धसते जोशी मठ की जगह क्या नया शहर बसाया जाएगा? क्या नई टिहरी की तर्ज पर ही अब नया जोशी मठ बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुआवजे को लेकर हंगामे के बाद जब मुख्यमंत्री के सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पत्रकारों ने सवाल किया तो सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि खतरा तो कम हो गया है लेकिन पुनर्वास का प्लान तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग जोशी मठ से दूर नहीं जाना चाहते हैं, होटल वाले पीपल कोटी जाना चाहते हैं। लोगों की मांग है कि न्यू टिहरी की तरह न्यू जोशी मठ बनाया जाए। तो क्या मान लिया जाएगा कि अब जोशी मठ का धसा हुआ हिस्सा सिर्फ कहानियों में रहेगा और एक नया शहर बसाना पड़ेगा? आशियाना खोने का दर्द, भविष्य को लेकर असमंजस। बद्रीनाथ में दिया था, हमारे एक छात्र चाहिए, जमीन का पैसा चाहिए, ये लागू करे पर हम हार जाएंगे। केवल बाहर कर दिया गया है कि हमने करना, हमें बाहर कर दिया, हमने जाना कहाँ है? बिना पैसे के हम जाएंगे कहाँ? दुखों के समंदर में फंसी जोशी मठ की 3000 जिंदगी। और यही हमारा बचपना बीता, यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की, तीनों मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने अपनी यही जिंदगी भर की कमाई। किसी मकान के छत से कूद जाऊंगा, मैं जनजाति के आदमी हूं, मेरे साथ छेड़खानी सरकार को शासन को बहुत महंगी पड़ी। सरकार के दावे पर विपक्ष का सवाल, मुआवजे को लेकर पीड़ितों का संग्राम। जोशी मठ के लिए शब्दों की चाशनी परोसने से तो काम चलेगा नहीं, इस समय तो आप धन की चाशनी परोसिए, उत्तराखंड को दीजिए। जोशी मठ में संकट भारी, जख्म पर मरहम की तैयारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का एक अंतरिम सहायता। दरकता जोशी मठ क्या कहानियों में सिमट जाएगा? आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जैसे न्यू टिहरी बनी थी ऐसे एक न्यू जोशी मठ बनाया जाए, वहां पर बसाया जाए। देवभूमि में धंसता शहर, बसेगा नया जोशी मठ। तो जोशीमठ के लोगों और विपक्ष के तमाम सवालों के बीच सरकार ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले उसे समझते हैं कि सरकार ने प्लान क्या तैयार किया है। आज सीएम के सचिव की बड़ी बातें क्या रही? अब तक 723 परिवारों को अंतरिम मुआवजा देने की बात कही गई है। हर परिवार को तत्काल 1.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी और उसके बाद जो पूरे मुआवजे की मांग चल रही है वो आकलन के बाद दिया जाएगा। अभी 1.5 लाख में 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए हैं, क्योंकि शिफ्टिंग करनी पूरे सामान की। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दे सकते, ये भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। वरुणावत उत्तर काशी की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा, मार्केट रेट से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अभी सिर्फ 2 होटल्स को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। जमीन से पानी के रिसाव का से खतरा कम हुआ है, ये भी बात कही गई कि जो रिसाव जितना होना था पानी का वो हो चुका है। और 7 जनवरी के बाद से दरारें नहीं बढ़ी हैं। लोगों को नया जोशी मठ बसाने की मांग है। और जय, आपने सुना मीनाक्षी सुंदरम जो कह रहे थे कि न्यू टिहरी की तर्ज पर न्यू जोशी मठ पर भी विचार चल रहा है। तो आखिर नया जोशी मठ की मांग क्यों है? क्या नई टिहरी की तरह विस्थापित हो जाएगा जोशी मठ? ये सवाल है। क्या सचमुच जोशी मठ में अब रहना मुश्किल होगा? क्या डेंजर जोन वाले घर कहानियों में सिमट जाएंगे टिहरी की तरह? क्या जोशी मठ की आबादी पूरी तरह से हटा दी जाएगी? ये सवाल है। और क्या जोशी मठ मांग के पीछे वैज्ञानिक वजह क्या है? क्योंकि आपने सुना न्यू टिहरी की जगह न्यू जोशी मठ की बात शुरू हो गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या डर कुछ ज्यादा है? जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए हमारे संपादक रोहित सिंह सावल ने मशहूर पर्यावरणविद अनिल जोशी से बातचीत की। उन्होंने इस सवाल को समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच जोशी मठ को अलग बसाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए अनिल जोशी ने क्या कहा। क्या लगता है आपको, ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है क्या वजह आप इसके मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समय आ चुका है कि प्रकृति और हिमालय दोनों को समझे।
और जोशीमठ की जो घटना है वो एक उदाहरण भी है हम सबके लिए, आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। अब जोशीमठ में जो कुछ भी धसाव हुआ है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है, कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा पूरा हिमालय, और इसमें एक तरह की पोरोसिटी भी होती है। अगर हमारी बसावट में कहीं कमी है, अति भार है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर वो बढ़ती है तो उससे एक असर पड़ता है। दूसरा, नदी हमेशा टो काटती है, जहां जहां पहाड़ों में नदियां हैं वो किसी ना किसी दर में नदी की टो काटेगी और किसी न किसी स्तर का छोटा मोटा उसमें धसाव बना रहता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं, अड़मठ यहां से 9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, मैं 25 साल पहले मैंने स्वयं वहां धसाव देखा है, और वो धसाव आज उस रूप में नहीं है जो पहले था। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे भी किए गए कि वो धसाव रुके। कारण यह है कि हम एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर अगर यह संकेत और चिंता बताने का ये रास्ता है तो वो एक बहुत बड़ी हीलर भी होती है, क्योंकि आज जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई उसको इस रूप में आप समझिए कि ये जो क्रैक्स हैं ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये बात उतनी ही बड़ी सत्य भी है कि ये कल क्रैक खत्म भी होंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि प्रकृति का अपने एक मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। या बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि हल मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई शंकाएं लोगों को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जोशीमठ को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, लोगों में ऐसी शंकाएं हैं, क्या कहना है इस पर आप? मैं देखिए अभी पूरा बाजार भी घूम रहा हूं, ऐसा है कि भय तो होना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह के क्रैक्स आए हैं, मकान टूटे और गिरे हैं, लेकिन मेरा ये मानना इसमें ठोस रूप में यह है कि हमें एक भय का वातावरण इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा पहाड़, पूरा हिमालय के संदर्भ में शायद हमें यह समझ देने के लिए जोशीमठ इशारा कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दरारें भर भी सकती हैं, कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है? निश्चित रूप से, देखिए ये तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के कारण नीचे अगर कटाव है तो नीचे जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये सब चीजें प्रकृति की अपनी एक कई तरह की क्षमताएं होती हैं और प्रकृति के अंतर उस विज्ञान को कोई समझता भी नहीं है। मैं भी जितना बोल रहा हूं उन अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन यह भी तय है कि आने वाले समय में यह भी संभव है जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझे और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी आवश्यकता तत्काल पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति वो समझ बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और बड़ी बातें आपने कही और बहुत सारगर्भित बातें आपने कही। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा कि स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास हो, लेकिन उस विकास की क्या प्रक्रिया हो उस प्रोसेस को समझना जरूरी है, ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा। जोशीमठ से रोहित सावल। तो मशहूर पर्यावरणविद अनिल जोशी जी से बातचीत में कई चीजें साफ हो गई हैं, डरना जरूरी है, विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़ के हिसाब से, हिमालय के विज्ञान की उन्होंने बात कही है। अब जब संकट सामने है तो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद होनी चाहिए, क्या धरातल पर सरकार अपना काम ठीक से कर रही है? इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेश जोशी जी हैं प्रवक्ता भाजपा और सूर्यकांत धस्माना जी हैं नेता, कांग्रेस वरिष्ठ नेता हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो सरकार है, जो सत्ता है, जो नौकरशाही है, वो निश्चित तौर से कह रही है कि हम बेहतर व्यवस्थाएं दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी पहुंचे थे मौके पर, आप भी लोगों से मुलाकात की, जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये कोई राजनीतिक द्वंद्व नहीं है, ना कोई चुनाव है जी। और ना कोई प्रतिस्पर्धा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के स्तर पर बात की जाए, लेकिन ये बात सच है कि 7 फरवरी 2021 को जब चमोली जनपद के ही रैणी में इतनी भयंकर आपदा आई, वहाँ पर इतना बड़ा जन नुकसान हुआ, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, उस समय खतरे की घंटी बज गई थी। और वो चेतावनी, वो खतरे की घंटी जो रैणी में बजी थी, मैं समझता हूँ उसको नज़रअंदाज किया गया। तभी से जोशीमठ में जो क्रैक्स आ रहे हैं, तमाम लोगों से मैंने मुलाकात करी, 2 दिन में मैं सारे चारों जो वार्ड हैं वहाँ के उनका मैंने दौरा किया, वहाँ पर जाकर के घरों में देखा,
जहाँ पे पानी फूटा है वहां पर जाकर के देखा, जहाँ होटल दोनों होटल छुप करके आपस में मिल गए जिनको तोड़ने की बात हो रही है उनको जाकर के देखा, वहां पर जिस प्रकार का हालात इस समय है, डॉक्टर जोशी की बात मैं सुन रहा था, वास्तव में ये मध्य हिमालय का जो भूभाग है ये अपने आप में शैशव काल का, ये जो हमारे उत्तराखंड का पहाड़ है ये बिल्कुल मध्य हिमालय का भूभाग ये शैशव काल में है, ये बच्चा पहाड़ है और इसमें जो बनावट है वो लगातार हजारों वर्ष तक जारी रहने की संभावना है। तो वहाँ पर जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, वहाँ पर भूगर्भीय जो हलचल हैं वो स्वाभाविक हैं, कभी भूस्खलन भी हो सकता है, कभी धसाव भी हो सकता है, कभी वहाँ पर अलग अलग, बिल्कुल यानी कि उन पूरी चीजों को समझना होगा। लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मानव जनित ये आपदा है, क्योंकि जब मालूम था कि ये डेब्री है, ये मोरेन है, ये मलबा है जिसके ऊपर पूरा जोशीमठ बसा हुआ है, तो उसके ऊपर जो गतिविधियां होनी चाहिए थी, जो विकास के तमाम काम होने चाहिए थे, जिस प्रकार से टनल खोदी जा रही है, जिस प्रकार से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तमाम सवाल रसमाना जी उठ रहे थे। और आप जो बात कह रहे हैं ये हर कोई कह रहा है कि ये मानव निर्मित आपदा है। हमारे साथ रवि कैतुरा भी जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी जी आपके पास आएंगे, बार अपडेट ले देते हैं। रवि, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, मौके पर क्या हो रहा है? बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं स्थिति बता देता हूँ। सबसे पहले क्योंकि आज यहाँ पर सचिव मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और उन बातों के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो होटल है उनके साथ बातचीत हो गई, इनके स्वामियों के साथ उन्होंने कहा है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है उस पर जिस तरीके से उसको ढाया जाना है मैनुअल तरीके से, उसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा और प्रशासन की ओर से कुछ लिखित में जब तक आश्वासन नहीं मिलता है मुआवजे को लेकर तब तक ये कार्रवाई आगे शुरू होने वाली फिलहाल तो अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में अगर बात करें तो जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 7 जनवरी के बाद से जो कुछ दरारों के आने का जो सिलसिला पहले शुरू हुआ था वो सिलसिला अब जो है बंद हो गया है, उतनी दरारें 7 जनवरी के बाद नहीं आई हैं। जो पानी का जो एक हमने देखा था कि पानी का फुहारा जैसे जो है जो जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ कि वो यहाँ पर जो है फूट गया था, उसमें बहुत तेज़ बहाव था, लेकिन वहाँ पर इस वक्त हम देखने में आए तो पानी का बहाव, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, वो पानी का बहाव जो पहले था जो अब है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया, यानी कि जो पानी का तेज़ बहाव आया था ठीक जो जोशीमठ की तलहटी पर जो ये है जेपी कॉलोनी वहाँ पर ये पानी भी कम हो गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही होने की दिशा में देखी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज यहाँ पर जोशीमठ में मौसम बदल गया है और मौसम बदलने के बाद सबसे बड़ी जो चिंता बनी हुई है वो ये है कि यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने भी जो यहाँ पर बर्फबारी का जो संभावना है उसको जताई है। तो ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि पूरी घाटी में मौसम बदल चुका है, जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, और अगर बर्फबारी नीचे होती है तो पर जिस तरीके से जो बड़ी दरारों वाले जो असुरक्षित भवन है उनके टूटने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। सकता है रवि, हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। बहुत जल्द होटल स्वामी तमाम चीजें हैं, तमाम अपडेट हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन जो बात अभी सूर्यकांत धस्माना जी ने कही कि रेणी गांव की चीज को दरकिनार किया गया, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का, उन्होंने 2010 में ही कह दिया था कि जो बात जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से टनल बन रही है, एक न एक दिन जोशीमठ धंसना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये मानव निर्मित आपदा है, राजनीति की बात नहीं है, सभी ने इसको दरकिनार कर दिया मिलकर? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है, इस समय हम सब लोगों की प्राथमिकता ये है कि जो लोग संकट में हैं उनको संकट से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिनके मकानों में दरारें आई हैं, जिनके मकान टूटे हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको पुनर्वासित करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है, और उस पहली प्राथमिकता को वरीयता देते हुए सरकार काम कर रही है। दूसरा विषय, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि आगे का पुनर्वास जोशीमठ के आसपास होगा, जोशीमठ नया बनेगा, ये सारे विषय ऐसे विषय हैं कि इसमें भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की दोनों मशीनरी काम कर रही है, इसमें पर्यावरणविद भी काम कर रहे हैं, इसमें जियोलॉजिकल सर्वे की टीमें भी काम कर रही हैं, इसमें जो है कि वाडिया के लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट पर्यावरण सारे साइंटिस्ट सारे वैज्ञानिक विषय पे काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर जो विषय आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के दिन आप और हम जब बात कर रहे हैं तो अभी जैसे आपने कहा कि सचिव साहब की बैठक हुई है तो 1.5 लाख रुपए की फौरी तौर पर हम लोगों ने घोषणा भी की है जी।
अब इस समय जो है कि हम सब लोगों को मिलकर के हम सब लोगों की चिंता ये है कि बारिश का मौसम भी है, हो सकता है कि बर्फबारी भी हो जाए। पहली प्राथमिकता यह है कि जोशीमठ के एक एक नागरिक को खाद्य की व्यवस्था हो, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके रहने की व्यवस्था हो, ये सारी जो कि टॉप प्रायोरिटी जो हमारी है सरकार की इस समय की वो है। और सरकार के पास पैसे की, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, दोनों सरकारों ने बोला है कि पैसे की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसका जायजा ले रहे हैं। इसलिए आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तो इस समय वन पॉइंट प्रोग्राम ये है, बिल्कुल वन पॉइंट प्रोग्राम है। लेकिन सुरेश जोशी जी, जिस तरीके से मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा कि नई टिहरी के तर्ज पर नए जोशीमठ पर भी विचार हो सकता है या हो रहा है, तो क्या ये पूरा स्पष्ट हो गया है जो भी वैज्ञानिक उनकी तरफ से कि फिलहाल इस जगह पर तो रखना किसी को बड़ा खतरनाक हो सकता है, यहाँ से हटना? देखिए पहली बात तो मैं बताऊं कि पुनर्वास के लिए दोनों सरकारें, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार, सारे विकल्प खुले छोड़े हुए। हम टेहरी अपना जो सॉरी हम जो जोशीमठ की जनता है, जोशीमठ के जो हमारे भाई बहन हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हम एक एक पल एक एक क्षण हैं। इसलिए जो भी विकल्प होगा उस विकल्प पर सरकार बात कर रही है। अगर हमको लगेगा कि भाई नया उस पर पुनर्वास करना तो नया होगा, उसी के आसपास कोई पुनर्वास करना तो वो पुनर्वास होगा। इसमें सबको मिलकर काम करना होगा, इसलिए विपक्ष की राय जानना जरूरी है। सूर्यकांत दसमाना जी, जो आज एक नए जोशीमठ की बात सामने आई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि उत्तराखंड को जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, समझते हैं, आपने चलाया भी है, नए जोशीमठ के प्लान को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, अब वो दोनों सरकारें भाजपा की हैं, ये संयोग है, इसको ये समझना चाहिए कि वो गेटवे ऑफ बद्रीनाथ ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो जोशीमठ का जो महत्व है वो सबको मालूम है, लेकिन सामरिक दृष्टि से जो उसका महत्व है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक हम चूक कर रहे हैं। अब आप ये बताएं, मैंने आपसे कहा कि रैणी की घटना के बाद सबको मालूम हो गया था कि जोशीमठ में ये हलचल शुरू हो गई है, क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। आपने इतना लंबा, दो वर्ष का समय पूरा हो गया, 7 फरवरी 2021 को रैणी में दुर्घटना हुई थी, और उसके बाद आज 2 साल बाद अगर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जोशीमठ में अगर आपातकालीन कोई स्थिति हो गई, ये तो ईश्वर की कृपा है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद है कि वहां पर हम केवल अभी क्रैक्स देख रहे हैं, कोई जान की हानि नहीं हुई। लेकिन इतनी भयानक स्थिति में सरकार के पास आज तक इवैक्यूएशन का प्लान नहीं है। आज तक आपके पास कोई इमरजेंसी, अगर कोई हालात हो गए, आप मैं वहां से आ रहा हूँ सीधा, अभी वहीं से जोशीमठ से आ रहा हूँ, वहां पर मौसम खराब हो गया है और आने वाले 3-4 दिनों में बर्फबारी हो सकती है। हमारे पास चीन के बॉर्डर में जाने का वो सड़क का एकमात्र रास्ता है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ वहाँ की लोगों में जिस प्रकार की दहशत है, लोगों में जिस प्रकार का वहाँ पर आक्रोश है, लोगों में जिस प्रकार से गुस्सा है, सरकार को 10 दिन हो गए भाई, 2 तारीख से ये हल्ला शुरू हो गया था और आज 10वें दिन भी हम उस प्लान को जनता को नहीं समझा पाए। एक छोटा सुरेश जी, फिर ब्रेक लेना है। सुरेश जी, 10 दिन हो गए। पहली बात तो मैं बताऊं कि 24 घंटे के अंदर सरकार ने सारे, जब ये घटना हुई थी तो सारे प्लान तैयार करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये कहना सरासर गलत है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात, मैं बड़े संक्षिप्त में ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो पिछली बातें याद दिला रहे हैं, अगर मैं पिछली बातें याद दिलाने लगा, 1976 की अगर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, आप जो प्रोजेक्टों की बात कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेक्टों की स्वीकृति कांग्रेस की, केंद्र और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी प्रधानमंत्री के सिलापट में नाम खुदे होंगे। इस तरह की बात नहीं करनी थी। आज ये समय करने का नहीं है। आज किस तरह से इनको पुनर्वासित किया जाए, कांग्रेस का प्रत्येक नेता वहाँ पर जाकर के जनता पार्टी की सरकार करने के बजाय उनको आक्रोशित कर रहा है, उनको दिग्भ्रमित कर रहा है। क्या ये समय इनके पास राजनीति करने का है? क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा है? क्या ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? इनके राष्ट्रीय नेताओं को आज ये समझना चाहिए कि उत्तराखंड जोशीमठ के लोग विपदा में हैं, हमारे भाई बहनों पर सियासी बातें होनी नहीं चाहिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा कर रहे हैं जोशीमठ पर। रवि सीधे आपके पास ही आ रही है, बताइए कि जो कल गुस्सा लोगों का देखने को मिला था, जिस तरीके से लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो गुस्सा कुछ थमा है? लोगों को संतुष्टि है कि सही दिशा में काम हो रहा है?
देखिए अभी क्योंकि जो ये नाराजगी थी वो इसी बात की थी कि जो कार्रवाई हो रही है, जो यहाँ पर जो गिराने की बात हो रही है जर्जर इमारतों को, उससे पहले मुआवजे की राशि को तय किया जाए। और यही वजह रही कि पूरी रात तक जो है प्रशासन की कोशिश रही कि इन दो भवनों को हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ये खुद गिर जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है इस पर अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि यहाँ पर जब सचिव मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी की थी, उसमें तमाम जो ग्रामीण लोग थे उनके कुछ लोगों से, उनके जो उसके होटल के स्वामी हैं उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने सहयोग की बात ज़रूर कही है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। तो इस पर किस तरीके से मुआवजे को लेकर एक बड़ा प्लान जो है आगे बनाया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो 50,000 रुपये शिफ्टिंग और 1,00,000 रुपये की जिन भवनों को चिन्हित किया गया है उनको दिया जा रहा है, और बाद में ये मुआवजे की राशि जो 1,00,000 रुपये है वहाँ पर जितने भी उनको मुआवजा बनता है उसमें से इस राशि को जो है घटा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल क्योंकि लगातार यहाँ पर जो ग्रामीण हैं जिनको इन तमाम चीज़ों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, उनके बीच मुश्किल ये थी कि जो अपने घर बेघर हो रहे हैं और उनकी मांग भी जो है लगातार उठ रही थी कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है उनको इस मुआवजे की राशि दी जाए। और उसके साथ साथ मैं सवाल अपना जोड़े दे रहा हूं सुरेश जोशी जी का, जो वो कह रहे थे कि रिपोर्ट तो 76 में बन गई थी, ध्यान किसी ने नहीं दिया। दसवाना जी, मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट 76 में आई थी, 77 में उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा घटक था उसके एक कॉम्बिनेशन की जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस और किसी पार्टी का नहीं है, सवाल मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। मैं कल वहाँ मौजूद था जिस समय राणा जी के होटल में उन दोनों होटलों को जो आपस में मिल गए उनको तोड़ने की जब कार्रवाई हो रही थी, उनके मालिक ने कहा हमको नोटिस तक नहीं दिया गया, हमको ये तक नहीं बताया गया कि हमको कंपनसेशन क्या मिलेगा, हमको ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से मेजरमेंट हो रहा है। तो आप एक तरफ, मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी आपदा में जब आपको ये अवसर मिल गया तो आप कम से कम जनता को कॉन्फिडेंस पे लेकर के जनता को बताएं कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा, आपका होगा क्या, आपका घर, आपका बार, आपकी दुकान, आपका मकान, आपका प्रतिष्ठान, वो मैंने आपको बताया गेटवे टू बद्रीनाथ है, पूरा यात्रा रूट का एक इम्पोर्टेंट जोशी जी जोशी मठ कॉन्फिडेंस की कमी रह गई क्या वक्त कम है न तो कॉन्फिडेंस की कमी है, न प्लानिंग की कमी है, न कोई विल पावर या विजन की कमी है, सारे उस पर काम हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई अभी मैंने जैसे कहा कि सारा तंत्र इस समय जो पूरा तंत्र है वो जोशीमठ के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कैसे उनको जो है कि जो उनके घरों में दरार हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जाए और कैसे जो है कि उनके रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, वो सारी व्यवस्थाओं में जो है कि तंत्र लगा हुआ है। मैंने कहा कि भाई पुनर्वास के लिए सारे विकल्प खुले, भाई जो लोग स्थानीय लोग हैं उनके साथ बातचीत लगातार चल रही है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का भी सवाल है, कांग्रेस के लोग खुद कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक किए हुए, कल वो बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ, उनकी भी वार्ता हुई है, लेकिन और लोगों के साथ भी वार्ता हो रही है। आज ही जो है कि एनडीआरएफ की जो टीम थी उनके साथ मुख्यमंत्री जी की बात हुई है, जो इसके विशेषज्ञ है उनके साथ बातें हो रही। कहां असंतुष्ट है आप लोग, कहां पे लग रहा है कि दिक्कत है? दसवाना जी देखिए, हमारे संतुष्ट और असंतुष्ट होने का सवाल नहीं है, वहां पर जनता अभी भी इस समय भी प्रदर्शन कर रही है। जनता को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उनको आप प्लान नहीं बताएंगे कि इवैक्यूएशन का प्लान ये है, रिहैबिलिटेशन का प्लान ये है, अगर कोई किसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है उसका प्लान ये है, नया जोशीमठ बनाने की जैसे बात हो रही है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये छोटा डिजास्टर नहीं है, बिल्कुल एक बड़ा डिजास्टर है। सबको मिलकर काम करना होगा जैसा कि सुरेश जी ने कहा, और पक्ष विपक्ष की बात भी नहीं है, सभी के सजेशन भी लिए जाने चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप दोनों को बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी है जोशीमठ में राहत और पुनर्वास की बातें चल रही हैं, पुष्टि हो रही है, हालांकि कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है हम साथ खड़े हैं, ये आपदा जो है इससे निपट लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आगे तस्वीर क्या बनती है। उत्तरमाधी प्रदेश में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।